तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, चाणक्य के मुताबिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तीन बातों का ख्याल अवश्य रखना जरूरी होता है। तो दोस्तों, इन बातों का ख्याल रखने वाले मनुष्य के घर में लक्ष्मी खुद ही वास करती है। तो दोस्तों, मनुष्य के लिए जीवन में सफलता प्राप्त करने और सुखमय जीवन बिताने में चाणक्य की नीतियाँ काफ़ी मदद करती है। तो दोस्तों, चाणक्य के मुताबिक मनुष्य अपनी आदतों से श्रेष्ठ कहलाता है। चाणक्य के मुताबिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तीन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। इन बातों का ख्याल रखने वाले मनुष्य के घर में खुद ब खुद लक्ष्मी ही वास करती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से ऐसी कौन सी तीन चीज़ें हैं इसे हमें अवश्य दूर रहना चाहिए ताकि लक्ष्मी हमारे घर पर रुकी रहे। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, मनुष्य को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के त्याग करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कामना रखने वाले मनुष्य को सबसे पहले झूठ का त्याग अवश्य करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पहली चीज आती है, झूठ का त्याग जरूर करना चाहिए। उनके मुताबिक झूठ के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को क्षणिक सुख तो मिलता है, लेकिन फिर वो दुख में बदल जाता है। तो दोस्तों, इसलिए जीवन में लंबे समय तक सुखी रहने के लिए सत्य के मार्ग पर चलना बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों, दूसरी बात आती है, सत्य। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य के मुताबिक सत्य के मार्ग पर चलने वाले और स्वार्थ के लिए झूठ का सहारा न लेने वाले व्यक्ति के पास महालक्ष्मी खुद ब खुद चली आती है और उसके घर परिवार में खुशियाँ भर जाती है। तो दोस्तों, चाणक्य में अपने नीति शास्त्र में मनुष्य के लिए आलस को सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। वह कहते हैं कि आलस्य मनुष्य को पीछे ढकेल देता है और उसके प्रतिस्पर्धी आगे निकल आते हैं। वही नए मौके भी उनके हाथ से निकल जाते हैं और इस प्रकार लक्ष्मी ऐसे व्यक्ति के पास जल्दी नहीं आती है। तो दोस्तों, ये अवश्य ध्यान रखें कि आलस्य मनुष्य का जीवन तबाह हो जाता है। तो दोस्तों, ये आप बिल्कुल ही ध्यान रखें। तो दोस्तों, चाणक्य के मुताबिक मनुष्य को लालच से दूर रहना चाहिए। लोभी व्यक्ति को कभी संतुष्टि नहीं मिल पाती है और इस स्थिति में वो और पाने की चाह में गलत रास्ते इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों, गलत रास्ते पर चलकर कमाया हुआ धन हमेशा दुख का कारण बनता है। ऐसे में व्यक्ति को जीवन के दुख से दूर रहने के लिए लालच का त्याग अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, लालच का त्याग करके आप सुखमय जीवन बिता सकते हैं। तो दोस्तों, ये तीन चीज़ें थी, इसे आप जरूर दूर रहे ताकि लक्ष्मी खुद ब खुद आपके घर में चलकर आए और रुकी रहे। तो दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी बात होती है। जब आप किसी लक्ष्य को पाते हो और उसके लक्ष्य पाने के लिए ये जरूरी करना चाहिए। तो दोस्तों, ये तीन चीज़ों से आप दूर रहते हैं तो आप अपने लक्ष्य से जरूर हासिल कर पाओगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी माँ अवश्य लिखना। धन्यवाद।